हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो एसी का स्प्लिट एसी का सर्विस वॉल्व्स के ऊपर है। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, इसे किस तरह से रिपेयर करना है। और एक्चुअली दोनों वॉल्व्स लीक हो रहे हैं और अब हम ये दोनों वॉल्व रिपेयर करेंगे बिना ये पूरा सेट चेंज किए हुए। इसमें आपको काफ़ी टाइम बचेगा और पैसा भी बचेगा। तो इसमें जो अंदर ये एलन की स्क्रू होता है, इसमें ओ रिंग्स होते हैं, सिलिकॉन या रबर के होते हैं। ये ख़राब हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं या एकदम अकड़ जाते हैं धूप में, एसी रहता है तो फट जाते हैं, क्रैक आ जाता है, तो वहाँ से आपका गैस निकलना शुरू होता है। दोनों में होते हैं। तो इसको किस तरह से निकालना है, इसमें एक छोटा सा एक वो रहेगा, देख सकते हैं, लॉक रहते हैं दोनों में, इधर भी। पहले लॉक को निकालेंगे, फिर अंदर ये एलन की डाल के इसे बाहर निकालेंगे। तो शुरू करते हैं इसे रिपेयर करना। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहिए। तो पहला ये वाला अंदर का जो लॉक होता है, ये लॉक का वॉशर है, ये हाफ इतना कटा हुआ है छोटा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्यों लगाया रहता है कि ये जो वायर जो अंदर का जो हैलिंग की स्क्रू का वाला है वो बाहर तक नहीं आए, यहाँ पटक जाए। तो पहले हमें ये लॉक खोलना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल से खुलता है, थोड़ा आइडिया से खोल लिए तो निकल जाएगा। ऐसा कुछ ट्वीज़र की तरह ले लीजिए, चिमटा या कोई शार्प स्क्रू ड्राइवर, जैसे भी आपको लगे। तो इसे हम पहले खोलने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम लेता है ये। ठीक है, ये निकल गया है। नोज प्लेट की मदद से निकाल लेंगे, ये निकल गया है। अब हमें दूसरा निकालेंगे। ठीक है, इसको निकाल लेंगे। ये वॉशर भी देख सकते हैं, इस तरह होते हैं। इन्हें संभाल के रखिएगा, इधर उधर मत फेंकिए। मैं रख देता हूँ। अब मैं पहले हाफ इंच का ये अंदर का एलन की स्क्रू बाहर निकालूंगा। ये थोड़ा ये भी थोड़ा मुश्किल होता है निकालने में, क्योंकि इसमें वॉशर होता है, ज़रा अंदर टाइट पकड़ लेता है यहाँ पे आने का। तो मैं ले लूँगा एलन की स्क्रू 3 mm का। अब यहाँ से बाहर नहीं आ रहा है, इसमें जो ओरिंग होता है ये देख सकते हैं, वहाँ पे फंस जाता है। तो इसका निकालने का ट्रिक मैं आपको बताऊँगा। अब ये बाहर थोड़ा मुश्किल से आता है, तो इससे मैं एक आइडिया बताता हूँ। इस तरह से एक वायर ले लीजिए, बाइंडिंग वायर, और इसके कॉलर में इसमें फंसाइए। इसकी मदद से ऊपर नीचे उठाइए, इसे खींच दीजिए इससे वायर से। तो देख सकते हैं इसका ओरिंग टूटा हुआ है, मतलब ख़राब भी हो चुका है, ये डालने के टाइम भी टूट गया होगा। ये देख सकते हैं इस तरह, यहाँ पे ओरिंग बैठाएंगे हम। अब ये ऐसे ही दूसरा भी निकालते हैं। अब ये नहीं निकल रहा है, अब ये भी स्लिप हो रहा है यहाँ पे ओरिंग की वजह से। ये भी थोड़ा मुश्किल से निकलता है, इसमें भी हम फंसाएंगे। इसमें थोड़ा जगह कम है छोटा वाल होने से, ये वायर फंसाने की कोशिश करेंगे। ये छोटे वाल में आपको एक कोई छोटा इस तरह का वो ले लीजिए, वाइंडिंग वायर। वो वायर थोड़ा मोटा हो रहा है, थोड़ा इसे दबाएंगे, इसमें फंसा देंगे। इस तरह से निकल गया है, फिर से ट्राई करते हैं। ये तो ऐसे निकल जा रहा है, टेस्टर की मदद से निकलते हैं। ठीक है, ये निकल गया है। चलिए अब नया वॉशर डालेंगे इसमें ओरिंग्स। तो देख सकते हैं इसका वॉशर जो फट गया है, काफ़ी क्रैक आ गया है इसमें। ये हाफ इंच का है,
इसका जो हेलेंकी वाला नट स्क्रू, इसे हम कैलिपर से नापेंगे कितने एमएम का है और वो हिसाब से फिर हम वॉशर डालेंगे। बोरिंग ये है 10 एमएम का, इसकी गोलाई है तो हमें 10 एमएम का इसमें लगाना ही बोरिंग लगाएंगे। तो ये मेरे पास बॉक्स है, इसमें पूरे हैं 225 पीसेस का बॉक्स है, ये मैंने अमेजन से लिया है। आप अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं अमेजन से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इसमें देखिए काफ़ी 220 के 225 के करीब हमें ओरिंग्स मिलते हैं, इसका पूरा मेजरमेंट है। तो इसमें अभी हमें 10 एमएम का चाहिए, 10 एमएम और इसकी इसका थिकनेस कितना है देख लेते हैं पुराने वाले का, 2 एमएम है तो 10 एमएम इंटू 2 हमें चाहिए, यहाँ पे है 10 एमएम इंटू 2 तो ये वाला है 10 एमएम का, 10 एमएम इंटू 2 मतलब इसका जो अंदर का सर्कल है वो 10 एमएम है और इसकी जो थिकनेस है वो 2 एमएम है। तो इसमें हम पहना देंगे, इसे आसान होता है। ठीक है ये हो गया है, छोटा वाला लेते हैं कॉटन का, इसे ऐसा कोई शार्प चीज़ ले लीजिए, इसको उठा के ऐसा करना है। एक बार इससे इसका भी चेक कर लेते हैं कैलिपर से, इसका है 8 एम एम, 8 एम एम है इसका, तो 8 एम एम का ढूंढ लेते हैं इसमें 8 एम एम कहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये रहेगा 8 एम एम। ठीक है तो ये दोनों ने ओरिंग लगा दिया है, अब हम ये मशीन में फिट करेंगे सर्विस वाल पे। तो ये लगाने से पहले एक बार थोड़ा क्लीन कर लेंगे अंदर, ये देखिए अंदर मिट्टी उट्टी रहती है। क्लीन हो गया है, फिट कर देते हैं। थोड़ा प्रेस करना है बाकी चला जाएगा वो। तो टाइट हो गया है, फिट करते टाइम कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ ऐसा तो पुश करना है सिर्फ और हो जाएगा। अब इसके लॉक रिंग भी लगा देंगे, इसमें एक बड़ा एक छोटा होता है, तो पहले बड़ा वाला लगेंगे, फिट करते टाइम कुछ तकलीफ नहीं होती है, निकालते टाइम ही होता है, स्लिप हो गया है। जो पहले जो कट मार्क होते हैं वो पहले अंदर डालना है और वही स्क्रूड्राइवर की तरफ मदद से ये हो गया है, ये पहले अंदर डालना है कट वाला। ठीक है ये हो गया है, अब हम इसका वाल भी चेंज कर देंगे, इसका जो पिन वाल होता है ये हमारे पास एक वाल है उसमें से हम निकाल लेंगे एक, देख सकते हैं ये बदलने से भी अच्छा रहेगा, ये भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इसके भी काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, इसके भी वॉशर्स ख़राब होते हैं, तो ये लगा देंगे इसमें। अब इसी की मदद से लगा सकते हैं जो पिन वाल के ढक्कन पे कैप होता है, तो ये हो गए हैं हमारे वॉल्स पूरे रिपेयर। बाद में हम इसमें गैस डालने के बाद सब इसमें कैप लगा देंगे। तो आपको और एक टिप देते हैं, जैसा ये आपका सिलेंडर का वाल है अगर इसमें से भी लीक होता है
तो आप इसे, मैंने खोल दिया, आप इसे खोल सकते हैं। और इसमें भी वाल होता है, इसमें ख़राब हो गया था, इसमें भी आप वाल लगा के इसे भी रिपेयर कर सकते हैं। और आपका जो 134 का कैन होता है उसमें भी जो कभी कभी ऊपर से लीक होता है तो वो भी रिपेयर कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको अभी, ये जैसा वाल है इसके, ये खोलने से इसके नीचे आपको वॉशर मिलेगा, ओरिंग अभी चेंज कर सकते हैं तो आपका वाल भी रिपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपने देखा होगा हमने किस तरह से इसके वाल्स रिपेयर किए हैं, और आपके सिटी में अगर ये ओरिंग्स मिलते हैं तो आपको 4-5 रुपये में एक एक मिल जाएगा और 10-20 रुपये में आपका रिपेयर हो जाएगा। तो देखा होगा आज हमने किस तरह से ये वाल्स रिपेयर किए हैं। और आज के लिए इतना ही है, वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।